पति ने अपनी पत्नी के काटे हाथ और पैर, पति ने अपनी पत्नी के हाथ पैर काट के उल्टे तरफ का हाथ का पंजा और पैर घुटने के पास से फरसे से काटे, सीधे पैर पर भी फरसा मारा। लड़ाई की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस। शराब पिए हुए आरोपी प्रीतम सिसोदिया लहरा रहा था फरसा, बार बार कह रहा था कोई पास आए तो गर्दन उड़ा दूंगा। सूझबूझ से आरक्षक राहुल सिकरवार और शैलेंद्र ने आरोपी को बातों में उलझा कर पकड़ा। सिवनी मालवा के रहने वाले हैं, वर्तमान में करुद विश्वकर्मा नगर में है निवास। पति पत्नी का एक बच्चा भी है। आरक्षक के कटे हाथ और पैर के साथ महिला को लेकर हमीदिया अस्पताल पहुंचे। थाना निशातपुरा का मामला। भोपाल से आदिल खान की रिपोर्ट। जी सर, क्या मामला है ये? थाना निषादपुरा के अंतर्गत एक बड़ी संवेदनशील घटना हुई। जब वहाँ से फ़ोन आया विश्वकर्मा नगर और पारस नगर के फेस उससे कि यहाँ पे ऐसी ऐसी घटना हो गई है, पुलिस वहाँ गई तो उसके द्वारा, जो मकान मालिक के द्वारा है, उसके द्वारा बताया गया कि प्रीतम राजपूत के द्वारा उसकी पत्नी को बके से मारा गया है और जिससे उसके हाथ और पैर में कट गया है। और पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए देहाती नाल सी लेके फिर FIR दर्ज की और पीड़िता अस्पताल पहुंची, जहां उसका इलाज चल रहा है। आरोपी को राउंड अप कर लिया गया है और विवेचना भी जारी है। सर, कहाँ के रहने वाला है आरोपी? जी लोग अभी वहाँ प्रीतम जो विश्वकर्मा नगर में रहते हैं किराए से, और जो पति है वो लोहा बाजार में, वो लोहा कारखाने में काम करना बताया उसके द्वारा। क्या ये प्रेम प्रसंग का मामला लग रहा है सर? अभी जो उसने बताया है कि इसमें शंका करता था अपनी पत्नी के ऊपर, जिसकी वजह से ऐसी घटना हुई है। बाकी अभी विवेचना जारी है, विवेचना में जैसे साक्ष्य आएंगे वैसी कार्रवाई करेंगे।